बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टरों को लेकर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए वो तो विधायक के भी कैंडिडेट नहीं होंगे। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, मगर कोई भी कैंडिडेट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत जागरूक है और वो बीजेपी का काम देख चुकी है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है, इसलिए जनता बीजेपी के साथ है। कमलनाथ जी तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो तो कैंडिडेट भी नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है। मगर कोई भी कैंडिडेट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जागरूक है और वो भाजपा का काम देख चुकी है। जो बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है, जो योजनाओं का लाभ दिलाया है, जो संवेदनशीलता के साथ हर कदम पे भाजपा की सरकार ने काम किया, जनता भाजपा के साथ है। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टरों को लेकर बीजेपी के विधायक है आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए वो तो विधायक के कैंडिडेट भी नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, मगर कोई भी कैंडिडेट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत जागरूक है और वो बीजेपी का काम भी देख चुकी है कि मध्य प्रदेश को बीजेपी ने बीमारू राज्य से कैसे विकसित राज्य बनाया है, इसलिए ये जो चुनावी साल है, चुनाव होंगे, इसमें जनता बीजेपी का साथ देगी, जनता बीजेपी के साथ है। तो कुछ दिन पहले ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी हुआ था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कमलनाथ की तस्वीर के साथ लिखा गया था कि भावी मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ। क्योंकि देखिए, इस साल सत्ता बदलनी है मध्य प्रदेश में और दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 के लिए तैयारी कर रही हैं, जुट गई हैं, मैराथन बैठकें हो रही हैं। तो इस बीच अगर देखा जाए तो कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर जो इस वक्त लग रहे हैं, ट्विटर पर भी तस्वीरें साझा की जा रही है कि नया साल नई सरकार। तो यहां पर बीजेपी के जो विधायक है आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने इस पर कटाक्ष कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बुजुर्ग हो गए हैं, विधायक के भी कैंडिडेट नहीं होंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री तो दूर की बात है और कैंडिडेट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। जनता को लेकर भी उन्होंने कहा कि जनता जो है बेहद ही ज्यादा जागरूक है और बीजेपी सरकार का अब तक का काम जनता ने देखा है कि जनता के लिए, जनता के हित में सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, क्या कुछ विकास के काम किए गए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जो कहा जाता रहा कि बीमारू राज्य है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार आई उसने बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है। मध्य प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की है, विकास की राह पर मध्य प्रदेश चल पड़ा है और मध्य प्रदेश की जनता ने भी बीजेपी का काम बखूबी देखा है, बारीकी से देखा है कि किस तरह से काम किया गया है, इसलिए जनता भी बीजेपी के साथ है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ट्विटर हैंडल पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कमलनाथ की तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है भावी मुख्यमंत्री और नया साल नई सरकार, लेकिन अब बीजेपी इस पर कटाक्ष करती हुई दिख रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से ये चुनावी साल है और साल के अंत में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से जारी है। एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस ही दावा कर रही है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाएगा और वही सीएम पद का चेहरा होंगे, और उसी बीच में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं इंदौर से आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने सीधे तौर पर तंज कसा है। वे कह रहे हैं कि कमलनाथ की उम्र हो चुकी है, ऐसे में वे सीएम कैंडिडेट रहेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सीधे तौर पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं बौखलाहट है और जिस तरीके से 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी में घबराहट देखने को मिल रही है। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार ये बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन ये चुनावी साल है और लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी, नवंबर दिसंबर और पास करीब आएंगे, मुझे लगता है कि ये बयानबाजी और तेज होगी और इसी तरीके से दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने से चूकेंगे नहीं। जी,
बिल्कुल, तो चुनावी साल है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी कुछ उसी तरीके से राजनीति भी हमें खूब देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए।